सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ टू टॉपिक्स. दो टॉपिक आज कवर होगा. वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स एंड द अदर वन इज इमेज वेलोसिटी फॉर स्फेरिकल मिरर्स. हमने इसमें किया था ना सॉल्व, प्लेन मिरर्स के लिए इमेज वेलोसिटी सॉल्व किया था, करेक्ट. वैसे ही स्फेरिकल मिरर्स के लिए इमेज वेलोसिटी. तो फर्स्ट हाफ सेशन में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स करेंगे. व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स? फॉर एग्जांपल, दे विल गिव यू समथिंग लाइक दिस. ये एक मिरर है, ओके, और यहां पे एक और मिरर है ऐसा, एंड इनके बीच में कहीं तो यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट रख दिया. बताओ इमेज कहां बनेगा? ऐसा कुछ फिगर दे देंगे आपको कि यार ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, और यहां पे एक कॉनकेव मिरर है. सी, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव, और इनके बीच में कहीं भी ये है इनका प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बताओ इसका इमेज कहां पे बनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. यस, तो दो मिरर का कॉम्बिनेशन और उसके बेसिस पे दे विल आस्क यू सर्टन क्वेश्चंस. बेसिकली इमेज का डिस्टेंस बताना रहेगा, एंड यार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकता है. देखो ऐसे भी हो सकता है, ये यहां से रे ऑफ लाइट निकला, इसके ऊपर गया और फिर इधर जाएगा इस मिरर के ऊपर, और बच्चों यहां से रिफ्लेक्ट करके फिर से इधर चला जाएगा, है ना. तो मैं बोलूंगा दिस इज रिफ्लेक्शन नंबर वन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन नंबर टू. तो पहले किधर रिफ्लेक्शन करवाए, फर्स्ट मिरर से करवाए या सेकंड मिरर से करवाए, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ओके. जैसे यहां पे देखो, यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि चलो मान लो यहां से इधर गया और ये डाइवर्ज हो जाएगा यहां से रे ऑफ लाइट आया और डाइवर्ज हो गया यहां से, है ना. इसको मैंने बोल दिया मिरर वन और इसको मैंने बोल दिया मिरर टू. बड़ा बना देते हैं इसको थोड़ा. अभी देखो यहां जाएगा और रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं तो आएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके. डोंट वरी अबाउट द डायग्राम, सब डिस्कस करेंगे हम लोग. अभी तो मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता सिर्फ, है ना. ये यहां पे आएगा और ये यहां पे जाके रिफ्लेक्ट करके यहां कहीं तो आएगा और इसका इमेज बनेगा यहां पर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना. तो दो ऑप्शन है. पहले, अच्छा अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस मिरर से बना दिया और बच्चों सेकंड रिफ्लेक्शन इस मिरर से बना दिया, है ना. अगर मैं ऐसे करूं कि मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस मिरर से बनाऊं ऐसे, राइट, और ये है फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्लेक्शन इस मिरर से बनाऊं, तो यार ये तो कुछ इस तरह से हो रहा है. यस, तो दोनों केसेस में डायग्राम्स अलग बनेगी. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला रिफ्लेक्शन कौन से मिरर से लिया जाए. ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर रहेगा, मैक्सिमम ऑफ टू मिरर्स उसके ऊपर नहीं आएगा, डोंट वरी, ओके. चलो वन बाय वन धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं, है ना. पूरा ध्यान पूरा फोकस यहां पे. फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम एम वन. कॉन्सेप्ट को पकड़ना आराम आराम से. यहां देखो ये है आपका M1 मिरर, दो प्लेन मिरर लिया है. ये है आपका M2 मिरर, दिस इज मिरर नंबर टू, ओके. इफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम M1, ये M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इनका एक एक्सिस दिया है कुछ तो, और यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया O. M1 से उसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, M2 से उसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ओके. अब ध्यान दो अच्छे से, पहले M1 पे रिफ्लेक्शन जाएगा, ओके. इधर आ जाओ, फोकस हियर अच्छे से एकदम. ये है ऑब्जेक्ट O, मान लो ये इंसिडेंट रे यहां पे गया, राइट. दिस इज द इंसिडेंट रे और दिस इज द नॉर्मल, वेरी गुड. और ये अच्छा बहुत दूर कर दिया मैंने, थोड़ा पास में ले. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ओके. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से यहां गया, करेक्ट, वेरी गुड. तो ये चला गया, लेकिन अब इसका इमेज कहां बनेगा, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, छोड़ो इससे भी पहले, सबसे पहले इमेज कहां बनेगा बता दो, इस मिरर का, इस मिरर के लिए इमेज कहां बनेगा. ऑब्जेक्ट रखा है 1 सेंटीमीटर यहां पे, तो इमेज बनेगा 1 सेंटीमीटर यहां पे. बच्चों दिस विल बी द इमेज. प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, तो यहां पे बनी उसकी वर्चुअल इमेज,
इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, है ना। रे डायग्राम बनाओ तो इसका जरा। ओके देखो, रे नंबर वन ये आया यहां पे, फॉलोइंग द लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, चला गया यहां पे, चला गया समवेयर ओवर हियर। ओके, तो अगर मैं यहां खड़ा रह करके देखूं तो मुझे क्या लगेगा, ये रे कहां से आया, ये रे आया आय से, है ना, यहां से, करेक्ट, इधर से ये रे आ रहा है, इधर से ये रे आ रहा है। और बच्चों ये रे चला जाएगा इस वाले मिरर के ऊपर, दिस इज योर मिरर, है ना, इस वाले मिरर के ऊपर जाकर के टकराया, वेरी गुड, यहां ध्यान दो, इधर जाकर के टकराया और यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एज सिंपल एज दैट, वेरी गुड। अब ये मिरर को देखो, ये मिरर क्या बोलेगा, ये रे किधर से आया, ये रे किधर से आया, इसको तो दिखेगा कि ये रे आय से आ रहा है, मिरर M2 के लिए ये रे किधर से आया, मिरर M2 के लिए ये रे आया आय से, है ना, देयरफॉर आय बिकम्स द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2, यस, I becomes the virtual object for mirror M2। ये object है M2 के लिए, ये object नहीं है M2 के लिए, yes, M2 को इस object O से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए इंसिडेंट रे कहां से आया, आय से, तो आय हो गया उसके लिए ऑब्जेक्ट, आय पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, इसलिए उसको बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बिफोर यू आस्क एनी क्वेरीज, एक डेफिनेशन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है ऑब्जेक्ट से अगर रेज निकलते हैं या जिस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रेज जाते हैं, यस, इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से अगर निकल रहे हो, यस, ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं, जैसे यहां पे देखो, ऐसा लग रहा है इस मिरर को कि इंसिडेंट रेज यहां से निकल रहे हैं, एक्चुअली निकल रहे हैं क्या, नहीं, या फिर इंसिडेंट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लगता है, ऐसा एक्चुअली है नहीं, उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का किससे लेना देना होता है, इंसिडेंट रेज से, ऑब्जेक्ट का लेना देना है इंसिडेंट रेज से, तो इंसिडेंट रेज अगर किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हो ऐसा लग रहा है, या इंसिडेंट रेज किसी एक ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हो ऐसा लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे ही वर्चुअल इमेज क्या होता है गाइस, वर्चुअल इमेज है ना, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, या अपियर टू गो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज अगर किसी पॉइंट के पास जाते हुए लग रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। वैसे ही इंसिडेंट रेज के लिए होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस मिरर के लिए आई इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्ट मिरर M2 से कितना दूर है देखो तो जरा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और बच्चों ये 1 सेंटीमीटर, मिरर से कितना दूर है, 2, 3, 4 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, 2, 3, 4 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, इसके पीछे यहां पे 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द इमेज फाइनल I2, इसको मैं I1 बोल देता हूं, है ना। तो इसका एक्चुअल इमेज फाइनल कहां पे बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M2, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज बन रहा है।
अब बोलो कोई डाउट है क्या? क्या सबको समझ में आया? यस एवरीबॉडी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सारा खेल रहेगा अभी यहां पे, है ना? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझना है। देखो यार, यहां से रे ऑफ लाइट निकला और ये तो यहीं से टकरा के चला गया पीछे, है ना? पीछे तो जाने नहीं वाला, लेकिन यहां पे खड़ा रह के कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये रे यहां से आ रहा है। तो M2 के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे, और उसको लगता है ऐसा कि इंसिडेंट रे यहां से आया, इसीलिए वो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट अभी उसका है ये, इसका इमेज कहां बनेगा? इसके पीछे, यहां से 4 सेंटीमीटर, तो यहां से पीछे 4 सेंटीमीटर। तो अब आंसर ऑप्शन में आपको आंसर ऑप्शन दे सकता है कि इमेज कहां बनेगा, तो दो तीन तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हो। आंसर नंबर 1, 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ M2, 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ M2। या फिर O ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो आंसर लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ ओ, 6 सेंटीमीटर्स टू द राइट ऑफ ओ। कहां से डिस्टेंस मेजर किया है आंसर ऑप्शन में, वो आप चेक कर लेना भाई। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबॉडी, वेरी गुड। हाँ क्या क्या अरे ये ऑब्जेक्ट हुआ ना उसके लिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना? अब M2 को देखो, सिर्फ M2 के सामने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 2, 3 और ये 4, हाँ कि नहीं? अच्छा M1 को देखो, M1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 1, तो इमेज का डिस्टेंस होगा 1, तो ये 1, ये 2, ये 4, तो मिरर M2 से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना दूर बनेगा, 4 सेंटीमीटर, है ना? रे डायग्राम अगर बनाने बोला है तो ये बनेगा उसका रे डायग्राम। हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही है ना? वही बोल रहा हूं, मिरर 2 को मेन एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यस, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो होगा वो। और अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो फिर से देखो यहां पे रे डायग्राम, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, ओके? रे डायग्राम कैसे बनता है, ओके? स्टेप नंबर 1, पहले आप इमेज बना लो, आपको पता है यहां पे इमेज बनने वाला है, ओके? अच्छा अब रे डायग्राम बनाओ, ये ऐसा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा जाएगा, ऐसे इसके पास, सही बात? ये गया इंसिडेंट रे। अब कैलकुलेशन कर लो कि अच्छा ये है यहां से 4 सेंटीमीटर, तो इमेज भी बनेगा यहां से 4 सेंटीमीटर, है ना? यहां से 4 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो हमने बोल दिया ये ले 4 सेंटीमीटर, यहां से 4 सेंटीमीटर पे इमेज बना, वेरी गुड। अब ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से पास करेगा, तो पहले आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, है ना? और फिर इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दो, यस, एंड अगेन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल आपका इमेज बनने वाला है, फिक्स मिरर बनाएगा एक रियल इमेज, यस। चल अब बताओ समझ में आया क्या पूरा डिटेल में? एवरीवन कोई डाउट है तो पूछो, पक्का? यस सर, समझा। परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चंस देखो अब इस पे बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मतलब यार समझना जरूरी है। चलो वन बाय वन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम M1, ओके? ये देखो ये M1 है, यहां से पहला रिफ्लेक्शन होने वाला है। आई गिव यू सम स्टेप्स टू सॉल्व। स्टेप नंबर 1, डायग्राम नहीं बनाना, ओके? स्टेप नंबर 1, आप इमेज का पोजीशन निकाल लो, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज किसके लिए? M1 के लिए, इसको भूल जाओ,
है ना। अच्छा M1 को देखो, M1 के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है 30, तो U की वैल्यू है -30। ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे इधर से आएगा, सो बच्चों दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, ये देखना बहुत जरूरी होगा यहां पे। ओके तो U इज -30, F दे रखा है 20 और कॉनकेव मिरर है तो F इज इक्वल टू -20। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ V। V इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, V का फॉर्मूला लर्न हो गया क्या सबका? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V? UF अपॉन U माइनस F। चलो डाल देते हैं वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U? द वैल्यू ऑफ U इज -30 इंटू -20 अपॉन -30 प्लस 20। कितना होने वाला ये? 2 3 600, है ना, अपॉन -10, सही है क्या? है ना, विच इज -60 सेंटीमीटर। अब बहुत अच्छे से समझो। ओके मैं अगले पेज पे डायग्राम में बताता हूं। -60 इज द वैल्यू ऑफ V। यहां देखो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, इमेज कहां पे बन रही है? -60 पे, मतलब ये 30 और इधर और 30, यहां पे बना है इमेज, यहां पे बना है फर्स्ट इमेज इतने दूर, -60। यहां देखो वैल्यू ऑफ V इज -60 सेंटीमीटर, है ना। तो सिर्फ ये मिरर को देखना, इसके लिए इमेज का पोजीशन है इससे 60 सेंटीमीटर पीछे की तरफ, वेरी गुड। तो क्या इमेज बनेगी उसकी यहां पे I1? क्या इमेज बनेगी यहां पे I1? बोलो बात समझ में आई एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है क्या? यस, हेलो, ओके ग्रेट, है ना। अब देखो यहां से, यस, स्टेप नंबर टू। अब इसको ले लो, इस मिरर को ले लो, इस मिरर के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे? रे डायग्राम बना के देखो, ठीक है। देखो यहां पे हमको एक चीज पता है कि इमेज यहां पे बनने वाली है, काम खत्म। अब रे डायग्राम बनाओ। ओके लेट्स टेक अ रे फ्रॉम हियर। मान लो मैं ये रे लेता हूं, एक इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस मिरर को। ओके चलो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। ये देखो दिस इज द नॉर्मल, ऐसा इसका रिफ्लेक्शन बनेगा यहां पे। सी हियर वंस अगेन, पता है कि यहां पे इमेज बनेगी, यहां से डॉटेड लाइन बनाएंगे और स्ट्रेट कुछ इस तरह से, है ना। दिस इज द इमेज दैट इज, लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड यहां आएगा, यहां से दोबारा पर M2 उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, हां कि नहीं? ये देखो एक और बना दो इधर से, ये आया इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा चला जाएगा, करेक्ट। दिस इज योर सेकेंड रिफ्लेक्टेड। अब M2 की कहानी, M2 को ऐसा लग रहा है कि ये रेज दोनों जाकर के यहां पे मिलने वाले हैं, इंसिडेंट रेज यहां पे मिलने वाले हैं, है ना, इंसिडेंट रेज यहां पे मिलेंगे। तो ये M2 के लिए हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। और रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगा उसका? गाइस यहां से ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा इधर कहीं, तो खैर हम लोग कैलकुलेशन से निकाल लेंगे पहले उसको। देखो यहां पे, ओके नाउ सी, दिस डिस्टेंस इज 30, दिस डिस्टेंस इज 30, वेरी गुड, दिस डिस्टेंस इज 20, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 10, यहां से 60 के दूरी पर है तो 30 20 तो ये 10 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी यहां पे, मिरर के आगे 10 सेंटीमीटर है, मिरर के आगे 10 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द इमेज।
बोलो सबको समझ में आया? तो क्या लिखेंगे हम इमेज का, कहां पर है इमेज? सो द फाइनल इमेज इज, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, 10 सेंटीमीटर टू द राइट, टू द राइट ऑफ M2, या फिर 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ O. यस, ये O से 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में, या तो M2 से 10 सेंटीमीटर राइट में, ऐसा कुछ तो ऑप्शन रहेगा, हाँ कि नहीं? ये देखो, O से 10 सेंटीमीटर इधर है और मिरर से 10 सेंटीमीटर इधर है. क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी. सो द क्वेश्चन वॉज, यस, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज. तो बच्चों, पोजिशन ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ M2 या 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. और इससे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है क्या? और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैसे काम करते हैं? एवरी स्टेप क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए पोजीशन निकाल लो. पोजीशन निकाल लिया, स्टेप नंबर टू, आप रे डायग्राम बना लो. पोजीशन बना दो इमेज का एंड ड्रॉ द रे डायग्राम. हाफ रे डायग्राम बनाओ, वो भी कितना? हाफ, आधा रे डायग्राम बनाओ और आगे की कहानी सॉर्ट हो जाएगी. ओके अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर M1, ये यहां पे कॉन्वेक्स मिरर M1 इज 20 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका फोकल लेंथ लिख देता हूं मैं 20 सेंटीमीटर. एंड दैट ऑफ कॉन्केव मिरर M2 इज 30. ये जो M2 है इसका फोकल लेंथ है 30. फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेकेंड इमेज I2, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1. ओके, अब ध्यान दो अच्छे से जो बोल रहा हो उसकी तरफ. बच्चों आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1. ओके, तो ये है आपका M1, ये है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब इंसिडेंट रे ऐसा आने वाला है, इधर इंसिडेंट रे ऐसे आने वाला है. तो अब की बारी ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन और ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव डायरेक्शन फॉर ऑल द साइन कन्वेंशंस. ठीक है, बात को समझो. ओके, देखो पिछली बार बच्चों ये मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, है ना? तो इंसिडेंट रे इधर से आ रहा था सीधा, करेक्ट? तो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन एज ऑलवेज. लेकिन यहां पे अब इंसिडेंट रे फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऐसा जा रहा है ना? तो फॉर दिस मिरर M1, यस, मैं इसको अकेले बना देता हूं यहां पे. ये देखो स्टेप नंबर वन, इसको अकेले को बना दो यहां पे ऐसे. ये है आपका मिरर. ओके, ये यहां पर आपका रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट. डायरेक्शंस ये, ओके, यहां ध्यान देना. ओके, तो इमेज कहां पे बन रही है? 10 सेंटीमीटर. ओके, फोकस कितना है? 20. फोकस है 20, मतलब यहां पे इमेज बनेगी I1, यहां पे इमेज बनेगी I1. यस, अब बनाओ डायग्राम, आ जाओ यहां पे. ये देखो, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. बच्चों इमेज बनी यहां पे I1, यस, इमेज यहां पे I1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस है 10. कैसे बनेगा यार डायग्राम, कैसे बनेगा इसका? मान लो ये मिरर है, मान लो ये बड़ा वाला मिरर है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं. ओके, ये रे ऑफ लाइट आएगा यहां पे इंसिडेंट, यस, और इधर से डॉटेड रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा. ये रे ऑफ लाइट आएगा इधर इंसिडेंट और ये यहां से डॉटेड रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, है ना? थोड़ा बड़ा बना देते हैं मिरर को ये वाले. और बोलो बात समझ में आई? पहला वाला इमेज कहां पे बना? पहला वाला इमेज बना यहां पर. इस मिरर की कहानी खत्म, अब चालू होती है दूसरे मिरर की कहानी.
है ना। अब दूसरे मिरर की कहानी के लिए इंसिडेंट रे कैसा है, ऐसा इधर की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। अलग अलग मिरर की अलग अलग कहानी अपनी अपनी। अब ये मिरर देखेगा कि इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है ना। अब मैं सिर्फ इस मिरर को ड्रॉ कर देता हूं अकेले को, ओके, ऐसा मिरर है यहां पे। हाँ, ये देखेगा कि दूर कहीं से तो रेज आते हुए दिख रहे हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10, 20, 30, 40, तो u इज इक्वल टू -40 फॉर दिस पर्टिकुलर मिरर, है ना। f तो दे रखा है उन्होंने, f कितना है इसका 30, तो मैं इसको ले लूंगा -30 और v निकाल लो, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। कुछ भी अलग नहीं कर रहे, सिर्फ दो मिरर को बारी बारी से ले रहे, पहले ये वाले मिरर को लिया, फिर इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर उसको सॉल्व कर लो, एज सिंपल एज दैट, है ना। यू कितना है, -40 × -30 / -40 + 30, ये कितना हो रहा है देखो, 1200 / -10, -120 cm, -120 cm कहां से, यहां से, है ना भैया, यहां से -120 cm इधर, यस I2, यहां से कहीं तो बहुत दूर -120 cm पर इमेज बन, यस बोलो बात समझ में आई। तो इस ऑब्जेक्ट से कितने दूर हो गई वो, -110 cm पीछे। तो हम इमेज कहां लिखेंगे, द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ -110 cm फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या तो फिर 110 cm टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से 110 cm पीछे। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखो यार इतने सारे साथ में करवा रहा हूं ना, इसके बाद तुमको सब कुछ आना चाहिए, है ना। यहां देखो जरा, वंस अगेन, फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, चार बुक्स उठा के हर बुक से एक एक दो दो क्वेश्चन डाले, यस ओके। तो ध्यान दो, फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस इफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड फ्रॉम M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से हुआ, ओके, किधर है M1, ये रहा M1, ये रहा M1, ठीक है। M1 को उठाएंगे पहले सिर्फ, और M1 की कहानी देखेंगे, ये उठाया M1 को, यस, ऑब्जेक्ट कितने दूर है M1 से, 20 cm, तो भैया यहां पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm। कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, यस, तो इसका एफ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 20। इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है, इधर से, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव, ओके। तो एफ इज इक्वल टू +20, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 20, तो यू इज इक्वल टू -20 cm, है ना। और वी निकालना है, वी इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। बोर हो जाओगे कर करके, ये इतना इजी है, है ना। u कितना है, -20 × 20 / same to same, -20 - 20 - 20, तो ये कितना हो गया, -400 - 40, करेक्ट, है ना। तो ये हो गया गाइस 10 cm, 10 cm, तो 10 सेंटीमीटर मतलब +10 आया, यहां पे बनेगा इसका इमेज, यहां पे बनेगा इसका इमेज, है ना। तो रे डायग्राम कैसे बनाऊं फिर, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, है ना, ये इंसिडेंट रे गया इधर आकर के मीट करेगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका इंसिडेंट रे, इधर आकर के मीट करना चाहिए, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे,
बच्चों दिस इज द रे डायग्राम दैट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो हमको क्या मिल गया, अभी हमको मिल गया इमेज का लोकेशन। ये डिस्टेंस कितना है 10, ये डिस्टेंस कितना है 10। अब ले लो इस मिरर की कहानी, पिक अप दिस मिरर, दूसरा वाला मिरर उठा लो, है ना। उसके लिए ऑब्जेक्ट कितने दूर है देखो, यहां से 30 40 50 60 30 40 50 60, तो उसके लिए u हो गया 60। लेकिन देखो जरा, इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव और ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो u का डिस्टेंस कितना ले लूं मैं, ध्यान दो अच्छे से, ये इधर की तरफ डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूं ऐसे, राइट। तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो u विल बी -60। तो इसके लिए u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो यहां पर रहेगा, करेक्ट। तो फोकल लेंथ ले लो यहां से, जो भी आएगा उसका फोकल लेंथ, और यहां से v की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल। बोलो समझ में आया, कर लेंगे इसको सॉल्व, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, यस। तो यहां से आपको सेकेंड मिरर का भी सब कुछ मिल जाएगा और दैट विल बी द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो प्लीज, एंड आई एम गिविंग यू 2-3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। अच्छा डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम एक बार इसका डायग्राम देखो, है ना। यहां से आया, ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे, और हमको पता चल गया था कि इमेज यहां पे बनने वाली है, ओके। तो मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवा देता हूं यहां से, ओके, यस, ये हो गया मिरर। अच्छा ये आया इंसिडेंट रे, हमको पता चल गया था कि यहां पे इमेज बन रही है, तो ये आया रिफ्लेक्ट, वेरी गुड, यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, सही है। अब यहां पे दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहां कहीं तो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट नो, वो तो आपको पहले वैल्यू निकालनी है, आपको पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो ये 10 20 30 60, तो u की वैल्यू थी -60, यस। या ये ले लो यहां से, ये इंसिडेंट रे आया इधर से, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट ऐसा, सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, है ना। एंड बच्चों दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, आपको u को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं। यहां देखो, यहां देखो, ये यहां पर है ना आपका ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस, ये साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना पोल से, पोल से ये वाला डिस्टेंस, तो u आपका पॉजिटिव 60 आएगा, प्लस 60 इधर की तरफ, सी ऑल डिस्टेंसेस ऑन राइट साइड आर पॉजिटिव, तो इधर की तरफ जिस साइड, यस यस, क्या बोला, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिखा क्या, सॉरी इधर से आया ना इंसिडेंट रे, इधर आया, तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस u इज इक्वल टू -60, वो सही लिखा था मतलब, और फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10, तो यहां कहीं तो आएगा, इधर से यहां तक फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और यहां से भी निकाल लो, चलो निकाल ही लेते हैं यार, है ना, -10 into -60 upon -60 plus 10, कितना आ रहा है ये देखो जरा, कितना आ रहा है 600 divided by -50, यस गाइस, ये कटा है ना -12 सेंटीमीटर, मतलब ये पोल से -12 सेंटीमीटर, ये 30 का डिस्टेंस है पूरा, ये 12, ये 12, तो यहां पर बनेगी फाइनल इमेज I2, यस, रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और दो बारी सिर्फ कैलकुलेट करना है, साइन का थोड़ा सा ध्यान दे दो, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें।
क्या सारी चीजें क्लियर है सब लोगों को? एवरीबडी 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 यस गाइस परफेक्ट। अगला सवाल देखो यार, सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ ऑप्शंस दे दिए इसके साथ में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। द मिरर्स फेस ईच अदर एंड आर 50 सेंटीमीटर्स अपार्ट। एक कॉन्केव है, एक कॉन्वेक्स है एंड दे आर फेसिंग ईच अदर। तो क्या यही कॉम्बिनेशन है? एब्सोल्यूटली। एक कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स एंड दे आर फेसिंग ईच अदर, एग्जैक्टली ये वाला कॉम्बिनेशन है ना। ये कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स है ना, एंड दे आर फेसिंग ईच अदर। सिल्वर्ड ये मिरर का फेस है ना इधर से, और इसका फेस इधर से है, सो दे आर फेसिंग ईच अदर। और सब कुछ दे दिया, सी द मिरर्स फेस ईच अदर एंड आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। इसके पोल से इसके पोल का डिस्टेंस है 50, और इनके एग्जैक्ट मिडवे पे ऑब्जेक्ट रख दिया है ना, मतलब यहां से 25 और यहां से 25 पे ऑब्जेक्ट रख दिया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 40, यस कॉनकेव मिरर का 40, सो दिस इज द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का 40 मतलब फोकल लेंथ हो गया 20, और इसका 30 मतलब फोकल लेंथ हो गया 15। फाइंड द पोजिशन है ना, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। डायग्राम मैंने बना के दे दिया, सब आपको बस सॉल्व करना है और आंसर ऑप्शन मार्क करना है। यस, अगला सवाल ये देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म कोइंसाइड। If the plane mirror is at a distance of 24 from the object, find the radius of curvature. चलो डायग्राम बनाते हैं धीरे धीरे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 36 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ये एक कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36। ओके, तो बच्चों ये डिस्टेंस हो गया पूरा 36। This distance is 36. A plane mirror is placed between them so that two virtual images form coincide. इसको छोड़ दो फिलहाल। The plane mirror is at a distance of 24 from the object. Object से 24 के distance पे, मतलब यहां पर plane mirror रखा हुआ है, यहां पर plane mirror, बच्चों ऐसे ऐसे ही रखेंगे ना हम लोग face to face, तभी तो reflection होगा है ना। क्या मैं मिरर को ऐसे रख सकता हूं क्या? ऐसे नहीं रख सकता, नहीं तो इमेज ही नहीं बनेगी। देखो यहां पे, देखो यहां पे, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन सो दैट टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म कोइंसाइड है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। देखो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा है ना, ना ही ये इमेज बना पाएगा और ना ही ये, क्योंकि ये इंसिडेंट रे इस तक पहुंचेगा ही नहीं। इट विल नॉट रीच दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यहां पहुंचेगा ही नहीं कॉन्वेक्स मिरर के पास है ना। तो ये मिरर को इतना बड़ा नहीं बना सकता मैं, मिरर को छोटा कर देते है ना, ये इतना बना दो मिरर, दैट्स ओके। यस, अरे एटलीस्ट इस इंसिडेंट रे को पहुंचने तो दो यहां तक, इसको यहां तक पहुंचने तो दो है ना। चलो मान लो ये यहां पे पहुंच गया, और यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद बच्चों ये हो जाएगा इधर रिफ्लेक्ट, ये हो जाएगा यहां पे रिफ्लेक्ट। अब देखो ध्यान से वो बोल क्या रहा है, वो बोलना चाहता है, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं ठीक है। वन बाय वन मिरर कंसीडर करेंगे ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहां पे बनेगा? इसका इमेज बनेगा यहां पे आई वन, इसका इमेज बनने वाला है यहां पे आई वन। यस, अब वो बोल रहे हैं कि प्लेन मिरर घुसा दिया बीच में, और प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो इसके साथ कोइंसाइड करेगा। देखो टू वर्चुअल इमेजेस सो फॉर्म्ड कोइंसाइड,
दो वर्चुअल इमेजेस बनेगी और दोनों वर्चुअल इमेजेस एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, है ना। अब प्लेन मिरर को यहां पे डालना है। अच्छा देखो ये 36 है, ओके दिस इज 36, यहां से पोल का डिस्टेंस इज 36। चलो वी की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो वी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, uf अपॉन u माइनस f? नहीं, क्योंकि फोकस ही नहीं पता हमको, फोकस पता ही नहीं है, करेक्ट। ठीक है कोई बात नहीं, अब प्लेन मिरर को बीच में डाल देंगे हम, यहां पर प्लेन मिरर को यहां पे डाल देंगे। कैसे डाला जाए इसको, नाउ टेल मी। बस आपसे एक चीज चाहता हूं, आपसे ये चीज चाहता हूं मैं कि ये जो प्लेन मिरर है इसकी इमेज भी यहीं पे बननी चाहिए, इसकी इमेज भी यहीं पे बननी चाहिए। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 24, है ना। तो यहां से इसकी इमेज भी यहीं पे बननी चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 24, एट अ डिस्टेंस ऑफ 24, है ना। तो ये 24 यहां से 24 पे बननी चाहिए इमेज, वेरी गुड। ये मिरर को कैसे रखूं, ऐसे फेसिंग रखे या ऐसे फेसिंग रखे, कौन से साइड में इसके बाल बनाए, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। लेफ्ट साइड में इसके बाल बना दूं या राइट साइड में इसके बाल बना दूं? यस गाइस, कैसे बनाए, राइट साइड में। अरे क्योंकि वर्चुअल इमेज चाहिए ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब मैं ऐसे यहां पे इसके बाल बना दूंगा। तो देखो यहां पे इसका वर्चुअल इमेज यहां पे बनना चाहिए, है ना। तो नाउ आई नो दिस डिस्टेंस ऑफ 24, यस ओके। देन हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये अच्छा ये 36 है, ये 24 है, तो बच्चों ये 12 हो जाएगा, दिस इज 12, ये 24 है, ये 12 है, तो ये भी 12, मिल गया v का वैल्यू, v का वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर, है ना। यहां से f मिल जाएगा, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस f, यहां से f कैलकुलेट करो और अगर f मिल गया तो r की वैल्यू भी मिल जाएगी। बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन, क्या करना है। वो बोल रहा है कि दोनों का वर्चुअल इमेज कोइंसाइड करेगा, यहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं है, कहीं पे दिया है क्या पहले इससे रिफ्लेक्ट होता है फिर दूसरे से, पहले नथिंग, कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया। दोनों मिरर का अपना अपना अलग अलग खेल है, दोनों का वर्चुअल इमेज बन रहा है अलग अलग से, है ना। तो है तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा था ऐसे कुछ तो करके, राइट। नाउ देयर इज नो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अब खेल ही पूरा अलग है, खेल ही पूरा दूसरा है। चलो क्या सबको समझ में आया, एंड विद दैट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सेंड इट टू मी, एवरीबडी क्या दे रखा है देख लो, यहां पे पूरा डायग्राम गिवन है, सब कुछ गिवन है। गाइस क्वेश्चन मिसिंग है यार, वो आई कुडंट सेव इट, उसको गड़बड़ हुआ है, इट वॉज इन डिफरेंट फॉर्मेट बट ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, डोंट वरी। यहां देखो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज यहां एक मिरर रखा है, यहां एक मिरर रखा है, कुछ डायमेंशन दे दिए, एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ओरिजिन। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ओरिजिन, द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो आगे की कहानी बताओ, राइट परफेक्ट। ये पांच चार क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन चार क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है ना। विद दिस वी विल टेक अ क्विक ब्रेक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन स्फेरिकल मिरर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ब्रेक के बाद।